कैसे हैं आप? आज एक और नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ में आपके सामने हाजिरी है। चलो चलते हैं आज जोधपुर के बाहरी क्षेत्र शिकारगढ़ से लेकर डांगिया वास तक, जो तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर है। तो आप भी हमारे साथ में चलिए। चलते सफर का मजा लीजिए। और मेरे चैनल से आप अभी अभी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नवी आने वाली वीडियो ये नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप मेरा वीडियो देखकर आनंद उठाइए। दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो का ही शेष भाग है। तो पिछले वीडियो में मैं जोधपुर के डाउनटाउन से शुरू करके जैसे न्यू पावर हाउस, रोटरी चौराहा, रिक्शा, भैरूजी, जातनाडा की वो एयरपोर्ट चौकड़ी और फिर डिफेंस लाइब्रेरी होते हुए शिकारगढ़ न्यू मार्केट तक का सफर था हमारा। तो उसी सफर को आज कंटिन्यू करते हैं। जब आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तो मेन कंटेंट मेरा यही रहता है कि ट्रैफिक एक्सप्लोर। वैसे तो रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, पर इवनिंग टाइम है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं आज जोधपुर मेरी डेट्स रेडिको की सर्विस करवाने गया था, तो आते वक्त क्यों ना होता कि आपके साथ रूबरू हो जाऊँ, क्योंकि मैं किसी न किसी बहाने से आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करता हूँ, चाहे ट्रैवल ब्लॉग हो, चाहे छोटे कोई क्लिप हो या शॉर्ट वीडियो हो, उसके साथ ही मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर और इस ब्लॉग के बारे में बताइए। आप अपना नाम पता डालिएगा ज़रूर ताकि मैं आपके सामने जब भी हाजिर होता हूँ वर्चुअली तो आपके नाम के साथ दूसरे व्यूअर के सामने आपका इंट्रोडक्शन करवा सकूँ और आपने क्या हमें राय दी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये लेफ्ट साइड में जियाड़ा गांव है और ये जो हाईवे से आने वाले ट्रक है जो अपने नागौर की तरफ निकलते हैं वाया बनार होते हुए, तो ये जो पीछे रोड गई है उसी रोड से यहाँ क्रॉस हो जाते हैं। तकरीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद में नेशनल हाईवे आ जाएगा जोधपुर जयपुर 25, जो अभी नया बाईपास निकला है। तो अभी कनेक्ट होते हुए आपको बताता हूँ, जैसे ही उस रोड पर जाएंगे तो जब हम बाई और निकलते हैं लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 15 किलोमीटर जाने के बाद में बोरानाडा आ जाता है और इधर राइट साइड में जब जाते हैं जयपुर की तरफ थोड़ा 17 किलोमीटर चलने पर डांगियावास गांव आ जाता है जो हाईवे के ऊपर मावे और चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो
जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप जोधपुर जयपुर हाईवे से गुजरो, भीलाड़ा से तकरीबन 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर की दूरी पर है और जोधपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले डांगियावास आना पड़ता है, वहाँ पर आप रुकिएगा जरूर डांगियावास और वहाँ की चाय जरूर पीजिएगा, मावा जरूर खाइए और साथ में नमकीन का भी लुत्फ उठाइए और अपने मुंह का जायका बदलिए। वैसे दोस्तों, जब हम रोड जर्नी करते हैं तो ध्यान तो ड्राइविंग पर रखना पड़ता है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुंह से फिसल जाते हैं, जबान से फिसल जाते हैं, क्योंकि ध्यान बढ़ता रहता है, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे अभी क्या है कि ट्रैफिक खुला है, कोई सामने इतने साधन आ नहीं रहे, तो आराम से मैं आपसे तो कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। आप रोड व्यू देखते रहिए, मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप वो व्यू, मेरा दिल कहता है कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो शानदार व्यू के साथ में मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखोगे तो अगली वीडियो में मैं आपके बारे में राय दूँ। अभी ये जो बाईपास न्यू कंस्ट्रक्शन है चालू और उस पर आ गए हैं तो टुकड़ों में, अभी तो ये जो हाईवे है टुकड़ों में बना हुआ है, जल्दी ये 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा यहाँ का कंस्ट्रक्शन। तो एक प्योर ब्लॉक बनाएंगे, जोधपुर का जो ट्रैफिक सिटी व्यू दिखाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो फिर मैं इस वीडियो में आपसे क्या है कि अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोफेशनली जुड़ जाऊंगा, और जब मैं प्रोफेशनली जुड़ जाऊंगा तो फिर मेरा काम केवल ब्लॉग बनाना ही है। अभी तो मैं पार्ट टाइम ब्लॉग बनाता हूँ और आपका क्या नज़रिया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मेरा कंटेंट क्या रहना चाहिए वो आपसे पूछता हूँ वीडियो के थ्रू कि मैं किस पर वीडियो बनाऊँ, मुझे बार बार आपसे पूछता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आप बताइए मुझे कि मेरा क्या कंटेंट होना चाहिए, आपको क्या पसंद है। वैसे तो मेरा कंटेंट एक ही रहेगा, ट्रैफिक तो मेन है ही है, वो तो एक्सप्लोर करना ही है, और उसके बावजूद जिस गाँव में अपन पहुँचेंगे तो उस गांव के बारे में भी जानकारी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। चलते रहिए दोस्तों, वीडियो का लुत्फ उठाते रहिए। लगभग
3 किलोमीटर की दूरी पर है गाजियाबाद से जोधपुर की तरफ निकलते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आता है बाईपास। ये गाजियाबाद आ गया है। हाँ दोस्तों, काफ़ी देर हो गई सफ़र करते हुए। लगभग ये सफ़र हमारा रहा है 25 किलोमीटर का, शिकारगढ़ से डांगियावास तक। अब ये नेक्स्ट विलेज डांगियावास ही है, जो जिला मुख्यालय जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। डांगियावास चाय और मावे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ थाना भी है, पुलिस थाना। इसका ट्रक ड्राइवरों की जब जोधपुर से गुड्स लेके रवाना होते हैं तो यहाँ पहला पड़ाव यही होता है, और जो जोधपुर की तरफ आने वाले उनके लिए भी आखिरी पड़ाव रहता है। फिर जोधपुर में जहाँ भी गुड्स खाली करना होता है वहाँ खाली करने चले जाते हैं। ये विशेष तौर से खाने पीने की तो यहाँ होटलें नहीं है, पर मेन होटल है चाय नमकीन की, चाय नमकीन और मावा। यहाँ पर ये अभी ये पेट्रोल पंप है, SBI की भी शाखा है और मिनी मार्केट भी है। यहाँ होलसेल रेट में सामान मिलता है। आजू बाजू के विलेजर है वो यहीं से सामान लेके जाते हैं, तो जाने की बजाय 25-50 पैसे का ही अंतर पड़ता है मार्केट भाव होलसेल के और यहाँ के भाव। यहाँ पर ज़्यादातर किराने की दुकानें भी ठीक ठाक चलती हैं से, और अपना पड़ाव तो यहीं तक कर रखते हैं। अभी चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर आगे का सफ़र जारी रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका खूब खूब आभार, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।